दोस्तों, अगर आप अपने एप्पल के फ़ोन में जो भी एप्पल आईडी बना हुआ है, या फिर अगर आपके पास कोई एप्पल आईडी है और उस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि अपने एप्पल आईडी को परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने एप्पल आईडी को डिलीट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब कर एप्पल आईडी लें। तो आइए डिलीट करने करने के को लिए शुरू करते हैं। आपको अपने आईफोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हो सके तो आप सफारी ब्राउज़र को ओपन कीजिए, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो सर्च करने का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्राइवेसी डॉट एप्पल डॉट कॉम। इतना आपको टाइप करना है, और इतने टाइप करने के बाद आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विथ पासवर्ड, यानी कि जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जो आपके फ़ोन में पासवर्ड लगा होगा वो पासवर्ड यहाँ से मांगेगा, तो आप पासवर्ड को डालेंगे। अब जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होने लगेगा। यहाँ से दिखा रहा है कि अगर आप अपने डाटा को किसी के पास शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डाटा शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ से दिखा रहा है ट्रांसफ़र ये कॉपी ऑफ योर डाटा। अगर आप अपना डाटा किसी दूसरे फ़ोन में सेव करना चाहते हैं, तो अपने आईफोन का डाटा आप दूसरे फ़ोन में अपने सेव करके तब आप अपने एप्पल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ में से किसी भी डाटा को आपको नहीं रखना है, आपको अपना अकाउंट डिलीट कर देना है और कोई डाटा भी आपको नहीं सेव करना है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, और नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट टू द डिलीट योर अकाउंट, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब जब आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ सबसे नीचे आएंगे, तो यहाँ से दिखा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ये रीजन। अब आपको यहाँ से अपना कोई रीजन डालना होगा कि किस रीजन से आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इतना सारा ऑप्शन होगा, तो आप किसी भी ऑप्शन को जो आपको सही लग रहा हो उस ऑप्शन को आप डालेंगे, नहीं तो यहाँ से आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको रीज़न लग रहा हो कि जिस रीज़न से आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो रीज़न आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ से मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब हमें दोबारा से यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, तो हमें कंटिन्यू पे आना है। अब यहाँ पर दिखा रहा है डिलीटेशन टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको हम पहले रीड कर सकते हैं, और अगर डिलीट ही हमें करना है तो इसको हमें क्या रीड करना है, फिर उसके बाद हम इसको एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ से फिर जिस नंबर से हमने अपने एप्पल आईडी को बनाया था उस नंबर पे हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमारे उस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो हमें सिंपल सा वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोड को डालेंगे, और कोड डालने के बाद आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके 24 घंटे के अंदर जो आपकी एप्पल आईडी होगी, वो एप्पल आईडी आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने एप्पल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।